आज है हमारा जन्मदिन, मेरा बर्थडे आउटफिट एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज है हमारा जन्मदिन और अभी टाइम हो रहा है 12 बजने में 5 या 6 मिनट है कुछ। और मैं और दीदी सोने वाले थे टाइम से, बट फिर हमने सोचा कि जो लोग टाइम से विश करेंगे प्रॉपर रिस्पांस मिलना चाहिए, तो इसलिए हम जग रहे हैं। अब हम भी कुछ टाइम में सो जाएंगे। सो आज का दिन हम व्लॉग करेंगे, मैं कोशिश करूंगी जितना ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग कर पाऊँ। और शुरुआत करते एक नई साल की, एक नई शुरुआत की। और अभी बर्थडे की शुरुआत करेंगे हनुमान चालीसा के पाठ से, और फिर आपको सुबह मिलते हैं डायरेक्ट। सो ये है मेरा बर्थडे आउटफिट और अभी पूरा तैयार होके आपसे मिलते हैं। सो एवरीवन, अब हम तैयार हो चुके हैं, अब हम चलते हैं पूजा करने और फिर कुछ खाते हैं। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, अब मैं अपने दो मित्रों से मिलने जा रही हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ठीक है, अब डायरेक्ट चल रहे हैं घर क्योंकि टाइम हो गया है बहुत ज्यादा और सामान भी ज्यादा हो गया है। अभी देखते हैं घर चल के। भाई अभी घर आ चुके हैं, अभी घर पे सब आएंगे तो घर वालों से मिलते हैं। गिफ्ट नहीं है? है ना? क्या है? मेरे पास है। मेरा गिफ्ट आया है तेरे लिए, गिफ्ट। मेरा प्यार है। बताना मत, बताना मत। मेरा ओ कितना सुंदर लग रहा है। मेरे भाइयों ने मुझे ये गिफ्ट छोड़ा है, देखो कितना सुंदर है, ये बेस्ट गिफ्ट है। अभी कुछ सामान डोनेट करना था, हम उसके लिए निकल रहे हैं क्योंकि उसमें टाइम लगेगा। फिर हम केक लेके डायरेक्ट घर आएंगे वापस, और घर पे सब आ चुके हैं ऑलरेडी, तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा सामान है। बाय। तो अभी हमारा जो डोनेशन का काम था वो कंप्लीट हो गया है, अब खुद का केक खुद ही लेने जाना पड़ रहा है यार। अब केक लेके डायरेक्ट घर पहुंचते हैं, सारे गेस्ट आ गए हैं, सो घर पे कंटिन्यू करते हैं। ताने पढ़। हैप्पी बर्थडे माई वेरी वेरी क्यूट दीदी, आई लव यू।
ये देखो भाई गिफ्ट देखो उसका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू गॉन वीटा इम्पोर्टेंट भी मार्क करा है पेपर में आएगा ये बर्थडे ने क्या कर दिया अब हो गया सारा काम खत्म बस अब गिफ्ट्स संभाल लेते हैं ये सबसे ज्यादा प्यारा है और सब कुछ संभाल ले तो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने भी मुझे मैसेजेस पे स्टोरीज पे या मेल्स पे मुझे मेल भी आए हैं जिसने भी मुझे जहाँ पे भी विश किया थैंक यू सो मच और मैं आशा करती हूँ कि अगले बर्थडे पर मैं और नीडी पीपल को हेल्प करने के भगवान मुझे काबिल बनाए तो व्लॉग का करते हैं यहाँ पर ही एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब खुश रहो स्वस्थ रहो एंड डू लाइक शेयर इफ यू फाइंड द व्लॉग इंटरेस्टिंग बाय बाय